इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं अनंतनाग के उस एनकाउंटर की जहां अब सुरक्षा बल आतंकियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने में जुट चुके हैं। बीते 72 घंटों से भी अधिक वक्त से जारी ये नॉनस्टॉप एनकाउंटर अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये बताया जा रहा है लगातार इस इलाके में सघन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। भीषण गोलीबारी की तस्वीरें भी पूरे देश और दुनिया ने देखी हैं। अब ये एक नई तस्वीरें देखिए, ये ड्रोन व्यू है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि एक ड्रोन उड़कर आता है और सीधे वो आतंकियों के हाइडआउट पर एक बम गिरा देता है। बम गिरते के साथ ही एक बड़ा धमाका होता है। इन धमाकों में एक आतंकी के मारे जाने की सूचना सामने आती है। तस्वीरों में एक आतंकी मारा भी दिखाई देता है। बाकी बचे दो आतंकियों को लेकर लगातार ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो ड्रोन फुटेज सामने आया है उसमें यह दिख रहा है कि कैसे एक एक करके पूरे आतंकवादियों के छिपने वाले इलाके को तबाह किया जा रहा है। जिस तरह का यह धमाका हुआ है उससे यह अंदाजा लगता है कि भारी भरकम बमों का इस्तेमाल उस पूरे इलाके में किया जा रहा है। इस घटना में एक आतंकी तो मारा गया है, अब अनंतनाग के कोरेनाग में बचे हुए दो आतंकियों की भी तलाश तेज कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये आतंकी मारकर ढेर कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में दिख रहा है कि एक ड्रोन जो बम लेकर जा रहा है वो जंगल में टारगेट को देखकर लॉक करके उस टारगेट को बम गिरा के उड़ा देता है। और इन सब की तस्वीरें उसके ऊपर उड़ता हुआ एक ड्रोन सब कुछ साफ साफ कवर करता है। इस पूरे एनकाउंटर ऑपरेशन में सेना ने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके ये बता दिया है कि आतंकी कितने भी चालाक क्यों ना हो, दुश्मन के इरादे कितने भी पक्के क्यों ना हो, सुरक्षा बलों के आगे कोई नहीं टिक सकता, उनका सर्वनाश तय है। सुरक्षा बल की गोलियों में इन आतंकियों के नाम पहले से ही लिखे जा चुके हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ, भारत की अखंडता के खिलाफ बंदूक उठाने का फैसला किया था। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब जल्द ही बाकी बचे आतंकियों का सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।